अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम आई ऑडिबल? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस अल्हम्दुलिल्लाह। ओके इंशाल्लाह टुडे वी विल बिगिन द 45th सेशन ऑफ अरहीक अल मख्तूम द सील नेक्टर ऑफ अवर नोबल बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वी एंडेड in our last session where we were talking about Ghazwa-e Khandaq and we were reciting certain verses from Surah Al-Ahzab. We'll continue from there. 3000 Muslims with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as their leader came out to encounter the idolaters. They maintained Allah's promise of victory deeply in their minds. They established themselves at the mountain of Sila with the strength standing as a barrier between them and the believers. We are on page 414. For those who are referring to the hardbound books, 414 page. अब ऐसा हुआ कि 3000 मुस्लिम्स जो हैं वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको लीड कर रहे थे उनके साथ पहुंचे मुशरिक का सामना करने के लिए और अपने दिलों में उनके जो थी वो अल्लाह का वादा था कि सक्सेस डेफिनेटली इनकी होगी। और उन्होंने अपने आप को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया? माउंटेन सिला जो वो खंदक के आगे थी और यानी इट वाज अ बैरियर बिटवीन देम एंड द डिसबिलीवर्स। जो ट्रेंच थी दैट वाज काइंड ऑफ अ बैरियर इन बिटवीन बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स। व्हेन द आइडोलेटर्स अटेम्प्टेड टू अटैक द मुस्लिम एंड फोर्स एन एंट्री इनटू मदीना दे वर सरप्राइज्ड टू सी अ वाइट ट्रेंच standing as an obstinate obstruction between them and their goal. तो जब वो अटैक करने के लिए मदीना में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे कि उनके बीच में ये इतनी बड़ी जो दीवार है, दीवार इन द सेंस के जो इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, ट्रेंच बनाई हुई थी, तो उस वजह से वो बहुत शॉक्ड हो गए थे क्योंकि ये एक नई नोवेल टैक्टिक्स थी, एक न्यू आइडिया थी। This was a new tactic that was unknown in Arabia at that time. Consequently, they laid siege to Medina and began to go around the trench to find any weakness that they can exploit to gain entry into Medina. अब ये नई tactic थी, उससे ही वो घबरा रहे थे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद वो इधर उधर यानी दूसरी किसी चीज के लिए तलाश कर रहे थे कि कहीं से उनको कुछ और entrance मिले। Yes, Azra. Sorry, by mistake. तो वो कोई और चीज को तलाश रहे थे जिससे कि उनको दूसरी जगह से कोई एंट्री मिल जाए। In order to deter the enemy from approaching the trench or bridging any gap in the defenses, the Muslim fired arrows and engaged clashes with them. अब मुस्लिम आर्मी जो है वो उनकी इस चीज का फायदा उठाने लगी कि जैसे ही वो घबराने लगे, इधर उधर होने लगे, तो इन्होंने जो है वो तीर फायर करना शुरू कर दिया। The veteran fighters of Quraysh were averse to this situation as they waited in vain for what the siege might reveal. They decided that a group of fighters, which would be led by Amr bin Abd Wadud, Ikrima bin Abu Jahl, and Dirar bin Al-Khattab, should work its way through the trench. The fighters managed to do just that, and their cavalry captured a narrow area between the trench and the mountain of Sila. Abhi definitely wo log bhi army wale hain, unko bhi kafi sari cheezon ka experience tha. तो एक जो टीम थी जो तीन लोग लीड कर रहे थे, अमर बिन अब्द वदूद, इकरिमा बिन अबू जहल और दिरार बिन अल खताब, उन्होंने अपना रास्ता यानी ट्रेंच के थ्रू गुजरते हुए वो आगे बढ़ने लगे और एक उनको नैरो स्पेस मिला वो ट्रेंच के बीच में और माउंटेन सिला के बीच में, तो वो क्रॉस करने में कामयाब हो गए। अमर चैलेंज द मुस्लिम्स टू अ ड्यूल टू विच अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु रिस्पॉन्डेड। आफ्टर अ शॉर्ट बट फियर्स एंगेजमेंट Ali radiallahu anhu killed Amr, which caused the others to withdraw in a state of panic and confusion. अभी इनके सामने क्रॉस करके अमर बिन अब्दुल वदुद पहुंचा और उसने फिर वो डुअल फाइट यानी दो लोग फाइट करेंगे उसका उसने चैलेंज जाहिर किया, तो अली इब्न तालिब रदियल्लाहु अन्हु सामने आए और उन दोनों की बहुत अच्छी डुअल फाइट हुई एंड अली रदियल्लाहु अन्हु ने अमर को कत्ल कर दिया। ये देखने के बाद जो दूसरे थे वो और भी ज्यादा पैनिक और कन्फ्यूजन में आ गए। However, days later, the Mushrik conducted another desperate attempt to bypass the trench, but all their efforts failed because of the steadfastness and heroic manner
of the Muslims whom they confronted. इसके बाद भी वो दोबारा से try करते रहे, attempt करते रहे कि ये जो खंडक है उसको कैसे cross किया जाए और कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे मुसलमानों पर हावी होया जाए. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स की जो इस्तकामत थी उसके सामने ये बहुत ही कमजोर पड़ गए. The events of the battle of the trench were so severe that it caused the failure of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to observe some prayers during their appropriate time. यानी इतना टेंशन का माहौल था और इतना स्ट्रेसफुल माहौल था कि इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सलाह जो है वो सही टाइम पे अदायगी नहीं हुई. अब आप देखें जंगे माहौल और इतनी परेशानी, इतना ज्यादा स्ट्रेस है, दुश्मनी हमला जानों पे अपनी बन पड़ी हुई है, लेकिन इनकी सलाह छूटी नहीं, सही टाइम पर अदायगी नहीं हुई, तो वो एक कितना बड़ा मुद्दा था उनके लिए. एंड हम लोग सुभानअल्लाह, हम लोग अपने अपने कम्फर्ट जोन में होते हुए भी हम बेहतरीन पहले औकात में अपनी सलाहों का अदा नहीं करते. इमेजिन द मैग्नानिमिटी एंड द डिफरेंस इन एटीट्यूड. तो सुभानअल्लाह, हमें भी उतना ही सीरियस अपनी सलाह की अदायगी को लेना है जो कि हम पहले बेहतरीन औकात में इंशाल्लाह ताला अपनी सलाहों को अदा करें. अल बुखारी एंड मुस्लिम रिपोर्टेड दैट जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नरेटेड ऑन द डे ऑफ द ट्रेंच उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु came while cursing the disbelievers of the Quraysh and saying, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam, I have not offered the Asr prayer and the sun has set. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, by Allah, I have also not offered the prayer. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then went to Buthan, performed ablution and observed the Asr prayer after the sun had set and then offered the Maghrib prayer after it. Abhi aisa hua ki उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो कुरैश को कर्ज करने लगे और फिर कहा कि अल्लाह मैसेंजर सनसेट हो गया और हमने असर नहीं पड़ी. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वल्ला ही मैंने भी असर नहीं पड़ी. फिर वो एक जगह पे गए बुथान नाम की, वहाँ पे वुदू किया और पहले असर पड़ी और फिर उसके बाद मगरिब की अदायगी की. ही इनवोक्ड अल्लाहस रैथ ऑन द एनिमी एंड बेग्ड हिम टू फिल देयर हाउसेस एंड देयर ग्रेव्स विद फायर बिकॉज दे डिस्ट्रैक्टेड हिम फ्रॉम ऑब्जर्विंग द असर प्रेयर. It was narrated by Ahmad and Shafi'i that the events of that battle detained him from the Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha prayer, but he combined them. The different narrations point to the fact that the situation lasted for a few days. Yani ye jang ki gehma gehmi aur pareshani aur mushkilon ke beech mein inki namaz delay ho gayi. Mixed opinions hai, kahin par hai ki Dhuhr, Asr, Maghrib nahi hui thi, to anyways unhone combine kiya. It is clear that direct confrontation between the two armies was very limited because of the trench that stood between them. However, military activities against each other still existed, which was mostly confined to shooting arrows. The fight only claimed the lives of a small number of fighters, 6 Muslims and 10 polytheists and 1 or 2 who were killed by sword fighting. Yani jo ek proper war ki jo mudbhed hoti thi wo hona mushkil tha because of the trench, lekin dono party jo thi apni apni jagahon se तीर अंदाजी कर रहे थे और बहुत लिमिटेड नंबर कैजुअलिटीज थी. 6 मुस्लिम्स थे और 10 मुशरिक थे और इक्का दुक्का जो है वो तलवारबाजी में मारे गए थे. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइटिंग साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु वाज शॉट बाय एन एरो दैट पेनिट्रेटेड हिज आर्टरी. रियलाइजिंग दैट हिज डेथ वाज अप्रोचिंग ही सप्लिकेटेड टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल सेइंग अल्लाह सुभान व तआला यू नो नथिंग इज क्लोजर टू माय हार्ट देन स्ट्राइविंग इन योर कॉज अगेंस्ट द डिसबिलीविंग पीपल हु बिलाइड एंड एक्साइल्ड योर मैसेंजर. Allah, I deeply believe that you have decreed that we should fight them. So, if there is still more fighting that remains against them, then let me live so that I can strive against them. If it has ceased, then I beg you to let it bleed again so that it becomes the cause of my death. He concluded his supplication begging to Allah Azza wa Jal not to let him die until he had taken full revenge on Banu Qurayza. Abhi Saad bin Muad radhiyallahu anhu jo sahaba the unko ek arrow lagi jo unki artery ke andar, main artery ke andar पेनिट्रेट कर गई जिससे कि उनको रियलाइज हो गया कि उनकी जो डेथ है वो करीब है. तो उन्होंने झट से अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से कहा कि आप जानते हो कि मेरे दिल के करीब कोई और चीज़ नहीं है, बस ये है कि मैं अल्लाह की खातिर जो है ये कुफार लोगों के साथ जंग करूं जिन्होंने अल्लाह के मैसेज को झुठलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से जिला वतन किया. उसके बाद अगर
अगर मेरे लिए ये है कि मैं इनकी फाइट इनके अगेंस्ट फाइट करूं तो मुझे थोड़ी और जिंदगी दे दो, लेकिन अगर ये मामला खत्म होता है तो नो प्रॉब्लम, ब्लीडिंग शुरू हो और यही मेरी मौत की वजह बने। फिर उन्होंने अपनी दुआ कंप्लीट की अल्लाह से दुआ करते हुए कि उनको तब तक के मौत ना आए जब तक के उन्होंने पूरा बदला बनू कुरैजा के साथ ना ले लिया हो। इन द मिडस्ट ऑफ दिस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस प्लॉटिंग एंड स्ट्रेटजीज वर इन फुल यूसेज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। द चीफ क्रिमिनल फ्रॉम बनी नदीर हुयई वेंट टू द लोकेलिटी ऑफ बनी कुरैजा टू इनसाइट देयर चीफ काब बिन असद अल कुरैजी हु हैड अ ट्रीटी विद अल्लाहस मैसेंजर टू रन टू हिज एड इन टाइम्स ऑफ वॉर। अभी इसके बीच में भी उनका षड्यंत्र, उनकी खुंदकबाजी, उनका जहर वाला जो एटीट्यूड है वो चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ये जो चीफ क्रिमिनल था बनी नदीर के यहाँ से हुयई, वो गया बनी कुरैजा की चीफ के पास जिसका नाम काब बिन असद अल कुरैजी था। अब ये काब बिन अल असद अल कुरैजी का जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा था कि वो अगर टाइम्स ऑफ वॉर होगा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाएंगे। इनिशियली काब रेजिस्टेड ऑल हुयई स्टेम्स बट हुयई वाज क्लेवर इनफ टू मैनिपुलेट हिम बिगन टू स्पीक ऑफ द कुरैश एंड देयर नोटेबल्स इन अल असियल एज वेल एज गताफान and their chieftains who had camped at Uhud, all who had only one intention, the extermination of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers. Additionally, he promised to remain in Kaab's fort, thereby exposing himself to any potential danger if the Quraysh and Ghatafan recanted from their alliance. This wicked person continued in this manner until he managed to convince Kaab to join his side and break his covenant with the Muslims. So Banu Qurayza also began to launch military operations against the Muslims, especially in the secluded parts of the city that housed the Muslim women and children. Abhi Kaab jo hai initially hua hai ki offers ko reject karta raha, lekin wo itna shatir hai, usne unko kafi sari cheeze bata kar unka dimag jo hai divert karne ki koshish ki. Usne yaad dilaya कि उहद के अंदर उनसे क्या हुआ था, कुरैश जो थे अलासियल के, गताफान जो थे जो कि उहद में थे, और उन सब का जो एक ही इरादा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाज को कत्ल करें। फिर उसने और एक प्रॉमिस लिया कि मैं जो है काब के जो फोर्ट है उसके अंदर रहूँगा ताकि जो डेंजर्स हैं उससे बच जाए। फिर वो जो विकेट पर्सन था वो कंटिन्यूसली काब असद अल कुरैजी को भड़काता रहा कि वो जो है मुस्लिम्स के साथ अगर उनका जो कोवेनेंट है इफ़ दे जॉइन हैंड्स टुगेदर तो उनके कोवेनेंट ब्रेक करने से इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है क्योंकि और भी जो दूसरे इविलिश ग्रुप हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। सो बनू कुरैजा जो है फिर धीरे धीरे मिलिट्री ऑपरेशंस अपने लॉन्च करने शुरू कर रहे थे, स्पेशली उन पार्ट्स में क्योंकि अभी यहाँ पर जंग के लिए ये लोग पूरा मुस्लिम सहाबाज एंड आर्मी जो है वो इन्वॉल्व है। तो अब वो उसको किस चीज के लिए भड़का रहा है कि उस पार्ट पे अटैक करो जहां पर वुमेन और चिल्ड्रन अभी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो मर्द हजरात हैं वो पहुंच गए हैं जंग के लिए, तो वो जो वीक पोर्शन है या वीकर सेक्शन है उसको अटैक करने के लिए तैयारी करें। आप देखें ईवल बंदा जो है वो ईवल इरादे करता है, कोई मॉरल्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई वैल्यूज नहीं, यानी सारे मिलिट्री के जो एथिक्स या मॉरल्स या रूल्स होते हैं उसको ब्रेक करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। According to Ibn Ishaq, Safiya bin Abdul Muttalib radiallahu was in a fort with Hassan bin Thabit radiallahu as well as some women and children said, a Jew was spotted moving suspiciously around our area, which was vulnerable to an enemy attack. Because there were no men to defend and because of the fighting against Banu Qurayza, which made a barrier between us and Allah's messenger, there was no one between us and them to defend us. While Allah's messenger and the Muslims were engaging their enemies whom they were unable to leave alone, so I said, Hassan, as you can see, this Jew is moving around the area. By Allah Azza wa Jal, we are in danger of the Jew, seeing that we are not protected when Allah's messenger and his companions are busy. So go out and kill him. Abhi aisa hua Ibn Ishaq ki narration ke saab se ke Safiya bint Abdul Muttalib radiyallahu anhu jo hai, wo ek fort mein thi Hassan bin Thabit radiyallahu anhu ka saath aur kuch aurtein aur bachche unke saath the. Unhone dekha ki ek Yahud jo hai, वो बड़े अजीब तरीके से उनके एरिया में घूम रहा था। तो उन्हें पता था कि ये इनका जो एरिया, जो फोर्ट वाला एरिया है, ये एनिमीज के अटैक के लिए बहुत ज्यादा उन पे खतरा मंडरा रहा था। और चूंकि सारे आदमी मर्द हजरात जो हैं वो उधर खंदक में बिजी थे,
उनके कुरैश के साथ लड़ने में और उधर डिफेंड करने में, तो इधर इनके पास कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा हसन बिन साबित को कि तुम ये बाहर जाओ और इस जीव को जाके कत्ल कर लो। He said, by Allah Azza Jal, you know that I am not suitable for this. So I got ready and took with me a pole and descended from the fort to him. I beat him with the pole until I killed him. I returned to the fort and said, Hassan, go down there and take his armor. For I was only prevented from doing so because he is a man. He replied, I do not need any armor. This single event had far-reaching consequences in discouraging the Jews from conducting any further attack against the Muslim woman. अब आप देखें, सफिया बिन अब्दुल मुतालिब रदिल्लाहु अन्हा ने हसन बिन साबित रदिल्लाहु अन्हु को कहा कि ये जीव को जाके कत्ल करो। उन्होंने कहा मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। तब क्या सफिया बिन अब्दुल मुतालिब रदिल्लाहु अन्हा खुद भी डर के बैठ गई? नहीं, वो खुद उतरी, नीचे उतरी, उन्होंने एक पोल लिया और उतरने के बाद उसको मारा और उसको कत्ल कर दिया। फिर वो पहुंची फोर्ट में और हसन को कहा कि जाकर अपना उनका जो आर्मर है वो लेकर आ जाओ। और फिर ये जो है ना, ये खबर जो है दूर दूर तक पहुंची यहूदों के पास, और फिर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें जो है मुसलमान की जो औरतें हैं वो भी सुभान अल्लाह बहुत स्ट्रांग है और वो भी वक्त पड़ने पर दुश्मनों का कत्ल कर सकती हैं। इट इज सो एनकरेजिंग, सो इंस्पायरिंग। आप देखें, हमेशा बिचारी वाली स्टेट या हमेशा यू नीड समबडी टू प्रोटेक्ट यू वाली स्टेट नहीं है। सुभान अल्लाह, शी, दिस प्रूव्स दैट शी वाज एक्टिव, दिस प्रूव्स दैट शी इज She was trained. This proves that कि वो अपनी physical state में थी कि अपना बचाव भी कर सकती थी और दुश्मन का कत्ल भी कर सकती थी। सुभानअल्लाह। They began to think that those areas were fortified and protected by Muslim fighters. However, they continued to provide the idolaters with supplies as an indication of their support for them against the Muslims. यानी ये जो थे यहूद, ये फिर भी अपनी जो दुश्मनी है वो किस तरीके से बताते रहे, जाहिर करते रहे, वो उनको जो है arms and ammunition and supports and supplies जो है वो पहुंचाते रहे। On hearing the dreadful news of the Jewish betrayal, the messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched four prominent Muslim leaders, Saad bin Muad radhiyallahu anhu, Saad bin Ubaid radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu and Khawad bin Jubair radhiyallahu anhu to investigate the reports. He warned them against spreading the reports among the people if they proved to be true, fearing that this would spread panic among them. However, if the reports proved to be false, then to declare them as such publicly. Regrettably, the four men discovered that the reports were true, and the Jews themselves openly denounced that treaty of alliance no longer existed with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब देखें कि ये जो यहूद थे वो बार 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 दगाबाजी, धोखेबाजी और दुश्मनी अपनी जाहिर करने में कभी भी पीछे नहीं रहे। वो कंटिन्यूसली कोई भी इनके साथ मुआदा करो वो तोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। जहां कहीं भी कुछ भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आओ वो उसको छोड़ के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पता चला कि ये यहूदों ने फिर से धोखा दिया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को उनके पास भेजा कि इन्वेस्टिगेट करो। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो भी उनकी फाइंडिंग्स होगी, जो भी उनकी रिपोर्ट होगी, वो लोगों के अंदर आप नहीं जाहिर करना क्योंकि पैनिक हो जाएगा लोगों में। एनीवेज, जो रिपोर्ट मिली उनके पास वो झूठी थी। देन टू डिक्लेयर देम एज़ पब्लिकली, यानी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने कहा कि ये लोगों ने इस तरीके से कुछ काम नहीं शुरू किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये रिपोर्ट जो थी वो झूठी नहीं थी, ये रिपोर्ट जो थी वो सच्ची थी, क्योंकि ज्यूज जो थे वो इस काम में लगे हुए थे। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यहूद ने ओपनली भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारा कुछ मुआदा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया उसमें, उन्होंने ब्रीफ किया अपने मुस्लिम्स को, उनको बताया कि ये थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन है और उनके ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आगे देखिए आप, कुरैश लड़ाई कर रही है, पीछे जो है, और पीछे से आगे से जो है बनू कुरैजा की अटैक्स आ रही है, पीछे से यहूद दगाबाजी कर रहे हैं, तो देखा जाए तो मामला जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, स्ट्रेसफुल है। और इनके जो वुमेन और चिल्ड्रन है वो अनप्रोटेक्टेड है। अब इस पे अल्लाह की वही नाजिल होती है, सूरह 33 वर्सेस 10 और 11। एंड व्हेन द आईज ग्रीव वाइल्ड एंड द हार्ट्स रीच टू द थ्रोट्स एंड यू वर हार्बरिंग डाउट्स अबाउट अल्लाह अज़्ज़ा वजल, देयर द बिलीवर्स वर क्राइड एंड शेकन विद द माइटी शेकिंग। यानी सिचुएशन अभी घबराने वाली है, जैसे मैंने कहा आगे कुरैश और बनू कुरैज़ा की अटैक्स चल रही हैं, पूरा मुस्लिम जो मेल तबका है और आर्मी है जो उनकी वो उधर बिजी है,
इधर जो है यहूद जो है वो अपने बात से फिर गए और वो वुमेन और चिल्ड्रन जो बहुत वल्नरेबल हैं उनके ऊपर अटैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके पैनिक और स्ट्रेस वाला माहौल तो बन चुका है। लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई है कि बिलीवर्स जो है वो थोड़े से डाउट्स में आ रहे हैं, वो थोड़े शेक हो रहे हैं। नाउ दैट द मुस्लिम्स वर डिफेंसिवली कन्फाइंड एट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंच, द हिपोक्रिट्स बिगन टू टॉन्ट देम फॉर हैविंग फॉल्स होप ऑफ डिफीटिंग किसरा द एम्परर ऑफ पर्शिया एंड सीजर द एम्परर ऑफ द रोमन्स। दे बिगन टू सो द सीड्स ऑफ डिफीटिज्म एंड विड्रॉ फ्रॉम द डिफेंस ऑफ द ट्रेंच बाय प्रिटेंडिंग टू डिफेंड देयर ओन होम्स व्हिच वर इन नो वे एक्सपोज टू एनी डेंजर। यानी अभी वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ये लोग तो ट्रेंच में बिजी हैं और ये लोग कहाँ, इनमें कौन सी ताकत है। यस रीन, यस आई एम सो सॉरी, सूरा 30 आया 10 एंड 11, सूरा 33 या सूरा अहज़ाब की आयतें हैं 10 एंड 11। ओके जज़ाकअल्लाह। तो फिर जो है वो ये उनकी मजाक उड़ाने लगे कि भाई ये देखो ये लोग उधर बिजी हैं, इनकी औरतें बच्चे यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, और ये लोग हैं वो जो प्रॉमिस करते हैं कि हम एम्परर ऑफ पर्शिया एंड द एम्परर ऑफ सीजर्स किसरा वगैरह को डिफीट करेंगे। तो ये अपने लोगों के दिलों में जो है नाउम्मीदी डर फियर को डालने लग रहे थे। और फिर कहते हैं कि हमें अभी कोई मदीना की बाउंड्रीज को हमें डिफेंड नहीं करना, हम अपने अपने घरों को जाकर डिफेंड करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है। देयर इज अनदर रेफरेंस फ्रॉम द सेम सूरा, सूरा 33 वर्सेस 12-13। And when the hypocrites and those in whose heart is a disease of doubt said, Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam promised us nothing but delusions. And when a party of them said, O people of Yathrib, which is Medina, there is no stand possible for you against the enemy attack. Therefore go back. And a band of them asked for permission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying, Truly our homes lie open to the enemy and they lay not open, but they wish to flee. यानी वो लोग यही बार बार कह रहे हैं, यानी उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं जो जिनों के दिल में जिनके दिल में मुनाफ़क़त है और वो डाउट है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हमारे साथ कोई प्रॉमिस नहीं किया, इन लोगों ने हमें सिर्फ गफलत में डाला हुआ है, डिल्यूजन्स में डाला हुआ है, और हमारे जो लोग हैं मदीना के हम लोगों का कोई चांस नहीं है कि हम इन दुश्मनों के अटैक को झेल पाएंगे। तो हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए बेहतर ये है कि हम जाके अपने अपने घरों में बैठे अपने घरों की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि अब जो है हम लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं, हम हारने वाले हैं, हम कमजोर पड़ चुके हैं। अब देखिए ये सारी बातों से हमें क्या समझ आ रहा है कि द सेंटेंसेज दैट वी यूज, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक पावर होता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं तो आपका जहन, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है उसी तरीके की पॉजिटिविटी रिलीज करता है और आपके अंदर जो है उस तरीके की पावर एनकरेजमेंट आती है, मोराल बूस्ट होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव की तरफ एक्सपोज्ड हैं और बार बार आप कहें नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती, अब तो मैं हार गई, खत्म, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं, अब तो ये नहीं, अब तो वो नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि सिचुएशंस जब आती है तो कुछ लोग जो होते हैं उनके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनके पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। नेगेटिव वाले जो है वो अपनी नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं, हमारी जो थोड़ी बहुत होप रहेगी उसको भी खत्म कर देते हैं, हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा उसको भी खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से ये इस तरीके से बार बार बोलते जा रहे थे और उनके दिमागों के अंदर दूसरे लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे थे, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, नाउम्मीदी क्रिएट कर रहे थे और उन्हें कंफर्म कर रहे थे कि खलास अब हम डिफीट हो चुके हैं। अल्लाह के मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैप्ड हिमसेल्फ इन हिज रोब एंड बिगन टू कंटेंप्लेट ऑन द ट्रेचरी ऑफ बनू कुरैज़ा, द स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म प्रिवेल्ड ओवर हिम एंड ही रोज़ टू हिज फीट सेइंग, अल्लाह इज द मोस्ट ग्रेट, मुस्लिम्स लिसन टू अल्लाहस गुड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री एंड सपोर्ट। सुभान अल्लाह, देन एंड देयर। देखिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल, जैसे ये लोग नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों के दिलों में उम्मीद जो है, कॉन्फिडेंस जो है उसको खत्म कर रहे हैं, वहीं पर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को रैप किया, यानी अपने आप को गैदर किया उन्होंने, और फिर वो उनको इस चीज का अंदाजा लग गया था कि बनू कुरैज़ा जो है वो किस तरीके की ट्रेचरी या किस तरीके की धोखाधड़ी कर रही है और उनका प्लान जो है वो क्या है। वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, मुस्लिम्स लिसन, ये बशारत आप समझो कि आपकी फलाह है। He then began to set forth decisive plans aimed at protecting the women and children. He sent some fighters back to Medina to help guard the women and children against any surprise assault by the enemy. The second step was to take action that could lead to undermining the ranks of the disbelieving confederates. For this purpose, he thought of offering the chiefs of Qatafan a third of Medina's fruit crops if they would withdraw from the confederacy. He
He sought the advice of his chief companions, Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu and Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu, who gave the following reply. Abhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ne pehle words of encouragement diye. Uske baad unka planning shuru hua. Yani kya kya steps lene hain. Pehle step unhone ye kiya. Unhone kuch fighters ko jo hai wo Madina mein pahunchaya auraton ki aur bachchon ki protection ke liye. Dusra unhone kya kiya, kyunki ye ikatthe ho rahe the na sare Banu Nadir, Ghatafan aur Quraysh aur ye sare, to unhone offer kiya. उन्होंने चीफ ऑफ गतफान को क्या ऑफर किया कि वो एक तिहाई मदीना का जो फ्रूट्स एंड क्रॉप्स हैं उसको उन लोगों को देंगे अगर वो लोग विड्रॉ करते हैं. फिर उन्होंने अपने जो सहाबास थे, अपने जो चीफ कंपेनियंस थे, साद बिन मुआद एंड साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हुमा को, उन लोगों को पकड़ के उनसे एडवाइस लेना शुरू किया. अब वो लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, if it is the order of Allah Azza wa Jal, then we shall obey it. But if it is a new course that you wish to follow in order to provide us with security, then we are not in need of it. We knew those people in Mushrik and in Kufr, and we can safely say that they are not in the need of the fruits from our orchards. Rather, their need is the complete extermination of us. अभी वो कितना, यानी उन लोगों की आप बातें देखिए, इतनी उसमें इंटेलेक्चुअल और विजडम होती है. वो दोनों साहबस क्या कहने लगे, वो कहते हैं कि अगर ये अल्लाह का ऑर्डर है तो हम ओबे करते हैं, लेकिन आप अगर ये न्यू कुछ एडिशन इंस्ट्रक्शंस या एक्शन फॉलो करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की सिक्योरिटी का मामला है, तो आई डोंट थिंक सो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है. क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मुशरिक लोग हैं, ओके, ये लोगों को, इन लोगों को हमारे ऑर्चर्ड्स के फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका मकसद क्या है कि हम सबको कत्ल कर दें. नाउ दैट अल्लाह हैज ऑनर्ड अस विद इस्लाम, वी बिलीव दैट द बेस्ट ऑप्शन इन दिस सिचुएशन इज टू पुट देम टू द सोर्ड. कहते हैं हम लोगों ने जब दिल से इस चीज को माना है कि हम इस्लाम में दाखिल हुए हैं और हम अल्लाह को ऑनर करते हैं और इस्लाम को ऑनर करते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम इनके साथ जंगे कताल कर, हम अपनी तलवारों से इनका जवाब दें. देयरफॉर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेक्टेड देयर व्यू बाय सेइंग, It is only something being done for you after I saw the Arabs shooting at you arrows from an unified bow. कहते हैं ये मेरा जो फैसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये मेरा जो ओपिनियन या व्यू है ये इसलिए है कि मैं देख रहा हूँ कि ये अरब्स जो हैं वो इकट्ठे होके एक यूनिफाइड बो से शूट कर रहे हैं. तो यानी समझदारी, देखिए आप हर जगह पे ताकत की जरूरत नहीं होती है, कहीं पर दिमाग की जरूरत होती है, कहीं पर फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है. तो ये जो है लीडर का काम होता है टू आइडेंटिफाई वेर ही हैज टू पुट द फिजिकल प्रेशर एंड फोर्स एंड वेर ही हैज टू यूज द इंटेलेक्चुअल. तो ये जो है एक तरीका कार है उनके अंदर ही ब्रेक करने का, और एक ऐसा सोल्यूशन विद काइंड जहां पर हम अपनी प्रोटेक्शन भी करें और हमारे लोगों को लोगों की जानों की हिफाजत भी कर सकें. जी रीन, ये जो यूनिफाइड बो है दैट इज लाइक इन टर्म्स ऑफ वो लोग अपने वर्ड से कर रहे थे या लाइक यूनिफाइड बो मींस दे आर जॉइनिंग हैंड्स विद अलायंस ना, ये सारे इकट्ठे होके, यानी ये पूरे 10,000 आए हुए थे और अभी भी जो है डिफरेंट चीफ्टन्स जो है जिनके साथ ऑलरेडी मुआदा हुआ था वो भी अपने वर्ड से पलट रहे थे ना, तो इसीलिए ये जब इकट्ठे हो गए हैं तो इसमें हम नंबर्स में कम हैं, विच इज टोटली ट्रू. और फिर उसके बाद हमारी वुमेन एंड चिल्ड्रन भी एक्सपोज्ड हैं, तो मौके की जो नजाकत थी उसको मद्देनजर रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों को ब्रेक करना चाह रहे थे. ओके, यानी हर जगह पे हम लोग अपनी अंधाधुन ताकत के ऊपर नहीं जा सकते, कहीं कहीं पे हम लोगों को कुछ सर्टन स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम उनको इंटरनली कमजोर कर सकें. Allah, the glorious and exalted, created conflict between the enemies of Islam, which would lead to their eventual defeat. Nu'aym bin Mas'ud, who was from the tribe of Ghatafan, came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and declared that he had secretly embraced Islam and asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to allow him perform some benefits for the Muslims. अब आप देखिए अंदरूनी तौर से भी सुभानअल्लाह अल्लाह का काम है जो वो किस तरीके से चलता है, एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत है वो किस तरीके से रंग लाती है. अभी नुएम बिन मसूद जो थे वो गतफान के ट्राइब्स के थे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके डिक्लेयर किया कि उन्होंने सीक्रेटली दीन इस्लाम को कबूल किया है, और फिर उनसे वो परमिशन ले रहे हैं कि उनको इजाजत दी जाए कि वो कुछ मुसलमान के काम आ सके. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउड हिम टू डू एनीथिंग That could aid the Muslims in the present distress, applying any stratagem that he saw fit.
The man shuttled between the Jews, the Quraysh, and the tribe of Ghatafan, inciting each party to distrust the other. Subhanallah. Abhi ye jo Noam banda hai, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया कि ये इसने दीन इस्लाम कबूल किया है और ये मुस्लिम नेशन को या इस्लाम को जो है सर्व करना चाहता है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक फ्री हैंड दिया, उनको कहा कि ये जो करंट हमारी डिस्ट्रेस या स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उसके अंदर तुमको जो सही लगता है स्ट्रेटेजी के लिहाज से वो तुम करो. अब इस बंदे ने क्या किया, इसकी भी समझदारी देखें. ये यहूद, कुरैश और गतफान के बीच में एक दूसरे को भड़काता रहा, एक दूसरे को. अभी हमें क्या करना है, ये एकजुट हो गया ना, यूनिटी इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ. यानी कहीं पर भी अगर एक एकजुट हो जाते हैं ना लोग, एका हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. ये हर जगह पे हम देखेंगे. अब अगर हम इसके इसके तरफ से अगर एक लेसन लेना चाहें या अपने लिए कुछ इस्लाह के पॉइंट्स पिक करना चाहें, तो एक बात ध्यान में रखें कि चाहे वो फैमिली स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोसाइटी यूनिट हो, या ओवरऑल एक नेशनल लेवल के लेवल पे हम देखें, जहां कहीं भी इंसानों के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में यूनिटी आ जाती है ना, तो दैट इज अ स्ट्रेंथ इन इटसेल्फ. अभी मुस्लिम्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुस्लिम्स के जो दुश्मन थे वो सारे एकजुट हो गए थे. तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि कुछ भी करके इनको ब्रेक किया जाए, और वही चीज नोएम ने करना शुरू किया. उसने कुरैश और यहूद और गतफान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना शुरू किया. तो पहले तो वो पहुंचा चीफ्स ऑफ बनू कुरैजा के पास और उनको बताया कि ये जो कुरैश है ये उनकी तरफ से नहीं लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जाके इनको छोड़ के भाग जाएंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है. और इसको आर्ग्यू करने के लिए उसने कौन सा, ही क्लेम दैट कुरैश वुड रिट्रीट इफ दे परसीव दैट विक्ट्री ओवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट पॉसिबल, लीविंग देम टू बेयर द रिवेंज ऑफ द मुस्लिम्स. यानी उसने ये भी आगे कमेंट पास किए कि ये जो कुरैश है इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करें, लेकिन अगर वो उस चीज में कामयाब नहीं होते तो वो उनको ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे, वो उनकी सिक्योरिटी को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और फिर उनका मामला जो है वो मुस्लिम्स जो है उनके ऊपर रिवेंज लेंगे. नोएम Radiallahu then headed to the camp of the Quraysh and said words that would garner similar results. फिर उसने same similar type की बातें इनके दिल में भी डाली, कुरैश के भी दिल में डाली, बनु कुरैजा को लेकर. तो वो जो है वो planned moment कर रहा था कि इनके बीच में जो ना इत्तेफाकी पैदा हो और इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए distrust पैदा हो. फिर Jews, he stated that the Jews regretted breaching the covenant with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers, and they maintained regular correspondence with the Muslims, and that any people sent as a guarantee to them would be sent in the camp of the Muslims as captives. फिर उसने उन्होंने जो है यहूद के बारे में भी बताया, कहते हैं वो लोगों ने अपना अकद जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो तो मुस्लिम्स और मुस्लिम सहाबास के साथ तोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली उनका करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन मुस्लिम्स के साथ चालू है, लगातार उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे चल रहे हैं. कहते हैं कि ये जो है इनके पास अगर आप कोई भी गारंटी के तौर पर भी आप भेजोगे यहूद के पास, तो वो जो है वो आपके मैसेंजर्स को या आपके लोगों को उनके पास बंदी बनाकर, मुस्लिम्स के पास बंदी बनाकर भेज देंगे. तो मेनली वो क्या कर रहे थे, ही वॉज क्रिएटिंग रिफ्ट्स, यानी इधर उधर की डिफरेंट डिफरेंट बातें और इंफॉर्मेशन और भड़का के इन लोगों को डिवाइड कर रहे थे. यस सुसना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अब आप देखिए एक बंदा जो है वो काफी है तोड़ने के लिए, यानी पीपल हु टॉक, पीपल हु पास इंफॉर्मेशन, पीपल हु डू सो मेनी, कहते हैं ना जिसके कि यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वहां पर देना, वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, उसके बाद मिसकम्युनिकेशन करना, इट इज वेरी इजी टू ब्रेक एनी स्ट्रक्चर. सो दिस वन पर्सन वॉज सक्सेसफुल. He therefore encouraged the Quraysh not to send any people to guarantee to the Jews. As a third task, he went to the people of Ghatafan and did the same. Yani wo Bani Qurayza ke paas gaye, wo Quraysh ke paas gaye, wo Ghatafan ke paas gaye aur jaake similar situation mein un logon ko bhadkaya. On the night of Saturday in the month of Shawwal, 5th after Hijri, both the Quraysh and the tribe of Ghatafan dispatched messages to the Jews, pressing them to go to war against Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abhi सैटरडे के दिन मंथ ऑफ शवाल में, फिफ्थ आफ्टर हिजरी, कुरैश और ट्राइब ऑफ गतफान ने मैसेज भेजे यहूद को, उस यहूद को फोर्स करने लगे कि आप जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करो. ज्यूज ने उनको फिर से दोबारा से मैसेज किया दैट दे वुड नॉट फाइट ऑन अ सैटरडे, एडिंग दैट दे नीडेड सम पीपल फ्रॉम अमंग देम एज होस्टेजेस एज अ गारंटी फॉर देयर स्टेडीनेस. एंड एग्जैक्टली यहूद ने वैसे ही किया जैसा नोएम रदियल्लाहु अन्हु ने गतफान और कुरैश को बताया था.
पहले तो उन्होंने कहा, यहूद ने कहा सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग फाइट नहीं करते. दूसरा उसने कहा कि हमें एज अ गारंटी तुम्हारे कुछ लोग चाहिए, कुछ हॉस्टेजेस चाहिए, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि तुम हमारे साथ हो. On receiving their replies, the Quraysh and the tribe of Ghatafan began to believe the warning that Nuaym had given them. यानि इसकी ये reply से उन लोगों को Nuaym रदिल्लाहु अन्हु की बातों पे यकीन आ गया. वो कहते हैं हमको Nuaym रदिल्लाहु अन्हु ने यही चीज की warning दी थी कि यहूद जो है वो हीलाबाजी करेंगे, बहाने करेंगे. तो उन्होंने तो पहले अपना वो सैटरडे वाला बता दिया, फिर उन्होंने कहा कि हमको कुछ गारंटी चाहिए, तो हम आपके बंदे जो हैं वो लेंगे और उनको रखेंगे एज अ गारंटी और फिर हम जो हैं अपना काम करेंगे. तो इन लोगों को Nuaym रदिल्लाहु अन्हु की बात पे बिल्कुल यकीन आ गया. सो दे सेंड अनदर मैसेज टू द ज्यूज कॉलिंग देम टू बिगिन द वॉर विद द मुस्लिम एंड एक्सक्लूड द कंडीशन ऑफ होस्टेजेस. फिर उन्होंने क्या किया, गतफान और कुरैश ने वापस दोबारा से यहूद को मैसेज भेजा कि आप जो है वॉर शुरू कर दो. और उन्होंने वो जो बंदे होस्टेजेस वाली जो बात थी उसको उन्होंने कहा कि वो कंडीशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है. The scheme that Noam's plotted proved successful and an atmosphere of distrust and suspicion began to take shape among his disbelieving allies which reduced their morale to a considerable degree. Yani ab ye jo Nuaym radhiyallahu anhu ka jo plan tha wo bahut successful raha aur in logo ke aapsi jo talukat the uske andar distrust aur confusion aur unka morale jo hai wo bilkul niche chala gaya. Meanwhile, the Muslims were preoccupied with supplications to their Lord for the protection of their homes and for the security of their families. और Muslims जो हैं वो continuously अपनी दुआएं कर रहे थे अपने घर की protection के लिए, अपनी family की protection के लिए. On his part, Allah's Messenger invoked Allah's wrath on the confederates with the following supplications. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ये लोग जो इकट्ठे allies confederates हुए थे उनके against में दुआ कर रहे थे. Allah Azza wa Jal, you are quick in account. You are the center of the book. We beg you to defeat the confederates. Yani Allah Taala se wo dua kar rahe the ki Allah is yani Allah ke liye to kuch bhi cheez mushkil nahi hai. To bahut jald inka hisab lo aur inko defeat kar do, inko hara do. Allah the glorious and the exalted responded to the supplications of the Muslim. He sent along with the difference and disagreement that emerged in the hearts of the disbelievers for each force, for each other. Forces of nature, wind, rain and severe cold which blew away their tents, turned away their cooking vessels and other equipments. Abhi Allah Azza wa Jal ne kya bheje? Thandi aur wind aur rain, yani nature ke hisab se un logon ki tehas nehas shuru ho gayi thi. Unke jo khayme the wo udne lage, unke bartan jo hai wo ulat pulat hone lage, unke equipment yahan wahan bikhar gaye. During that very cold night, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched Hudhayfa bin al-Yaman रदियल्लाहु अन्हु टू कलेक्ट न्यूज अबाउट द एनिमी. अब जब ये नेचर का जो कहर नाजिल हो रहा था दुश्मनों के कैंप्स पर, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैफा बिन अल-यमान रदियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाके इंफॉर्मेशन ले आए एनिमीज के बारे में. ही फाउंड देम मेकिंग प्रिपरेशंस टू लीव व्हाइल फ्रस्ट्रेटेड इन देयर इनएबिलिटी टू अचीव देयर टारगेट. अब ऑफ कोर्स जब खाना पीना और बेसिक नेसेसिटीज उनके खराब हो जाए, इतने तूफान में उनके कैंप्स जो हैं वो उखड़ जाए, तो वो फटाफट अपने आप को समेटने लगे, लपेटने लगे अपने सामान वापसी के लिए. और डेफिनेटली इस बार भी उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ. अल्लाह अज़्ज़ा वजल फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, स्पेयर्ड द मुस्लिम्स फ्रॉम फाइटिंग अ फियरसम आर्मी, सपोर्टेड हिज सर्वेंट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इन्फ्लिक्टेड अ हेवी ब्लो टू द कॉन्फेडरेट्स. अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपना वादा पूरा किया. उन्होंने दुश्मनों के ऊपर जो है नेचर के थ्रू अच्छा खासा अपना गजब और आजाब नाजिल किया और इन लोगों के दिलों के अंदर डिस्ट्रस्ट, इन लोगों के दिलों के अंदर खौफ तारी किया. और जो मुस्लिम आर्मी जो छोटी थी तादाद में, उनके ऊपर किसी भी तरीके की हौल ना की, क्योंकि इतना बड़ा नंबर था, कहाँ 3,000 कहाँ 10,000. अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की बचत की, उनको प्रोटेक्शन दिया और दुश्मनों को तहस नहस किया. द बैटल ऑफ द ट्रेंच टुक प्लेस इन द फिफ्थ ईयर ऑफ हिजरा. द सीज ऑफ मदीना बिगैन इन द मंथ ऑफ शव्वाल एंड एंडेड इन द मंथ ऑफ ज़ुल्क़ादा, लास्टिंग फॉर मोर देन अ मंथ. In fact, it was more of a battle of nerves and not of losses, as no bitter fighting was recorded. Nevertheless, it was one of the most decisive battles in the early Islamic history and proved beyond a shadow of doubt that no force, however huge, could exterminate the burgeoning Islamic power growing steadily in Medina. After Allah Azza wa Jal caused the confederates to retreat, his messenger declared confidently, "From now, we engage them and they will not engage us. We will mobilize to them." Alhamdulillah. ये जंगे खंदक जो है फिफ्थ ईयर ऑफ हिजरी में हुई थी और जो मदीना के ऊपर अटैक्स हो रहा था तकरीबन शव्वाल में स्टार्ट हुआ था और ज़ुल्क़ादा में ख़त्म हुआ, जिसकी मानी है कि एक मंथ लगे उसको होने में. और ये जो बैटल थी ना, ये लॉसेस की बैटल नहीं थी, ये नर्व्स की थी. यानी इट वॉज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैटल.
और इसमें कोई बिटर फाइटिंग रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन बहुत डिसाइसिव, बहुत सोच समझ के, सोच बूझ के इसको लेकर आगे चला गया था, और ये इस्लामिक हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुई है। जैसे कि कोई भी फोर्स जो है, जो इस्लामिक पावर को मदीना में ब्रेक करना चाह रहा था, उसकी जो है अल्लाह ताला ने उनको अलाउ नहीं किया था। अलग अलग जंगों में, अलग अलग एक्सपीडिशंस, अलग अलग इन्वेशंस में हमने देखा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इस पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेटमेंट किया कि अभी से जो है हम उनको एंगेज करेंगे, वो हमें नहीं करेंगे, और हम मोबिलाइज करेंगे, यानी वी विल मूव, हम नहीं अलाउ करेंगे उनको कि वो हम पे अटैक करें। जी रीन, आई सॉ योर हैंड, टेल मी डियर। नहीं, मुझे बस ये बतानी थी कि उस जमाने में पीपल वर मोर पावरफुल, मोर क्लोज टू इस्लाम, बट सी उनके पास तो जो भी था, बट दे रिलाइड ऑन दुआ एंड अल्लाह ताला हेल्प देम। यस, हम वहीं पे लैक कर जाते हैं, हमें खुद से सब करना है, बस दुआ नहीं करनी है। एब्सोल्युटली, इनकी स्टार्ट भी दुआ से होती है, इनकी मिडिल में भी दुआ होती है, इनकी एंड में भी दुआ होती है। स्टार्ट भी अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह से अल्लाह की हम्द सना, अल्लाह से ही मदद, अल्लाह सब कुछ अल्लाह से मामला होता है इनका। यानी ये सारी चीजों का जो है ना मकसद यही है कि हम जाने, हम समझे, हम सब अपनी अपनी जंगे लड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट लेवल पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है ना, जो हमारे डिसाइसिव मूवमेंट्स होती हैं, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। कई जगहों पर हम सोचते हैं, हमारी जो डिफरेंट नेगेटिव एक्टिविटीज होती है, मसलन कई जगहों पर हम पहले ही हथियार डाल देते हैं, कई जगहों पर हमारे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं बची होती, कई जगहों पर हम अपने आप को क्रेडिट देने लगते हैं, कई जगहों पर हमें अपने आप के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आने लगता है कि सारा कुछ जो है वो मैं ही कर सकती हूँ। यानी हमारा जो तर्ज अमल है ना, वो बिल्कुल भी जो होना चाहिए उसके मुख्तलिफ होता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न, व्हाट इज द वे, हाउ इज, हाउ आर वी सपोज टू मूव, कहाँ पर ताकत यूज करनी, कहाँ पर इंटेलेक्चुअल यूज करना है, और हर सिचुएशन में अल्लाह पर रिलाई करना है, और अल्लाह के मामले में डाउटफुल नहीं होना है। वी डोंट हैव टू बी डाउटफुल, हमें अपने ये शैतानी वसवसों को दूर रखना है, हमें हमारी नेगेटिव और डिविलिश और इविलिश जो स्ट्रैंड है ना हमारे अंदर, वो नफ्स लमारों को भी कंट्रोल में रखना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इट्स मोर ऑफ अ साइकी, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी, इट्स मोर ऑफ अ फिलोसफी। और जब हमें ये चीज समझ आ जाती है ना, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह की मदद भी आती है और हमारे अंदर एक सुलझाव और एक ठहराव आता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट्स, बिकॉज ये अलग अलग, अब आप देखें तीनों जंगों का अगर हम एक ओवरऑल समराइज करें, जंगे बदर ले लें, हम जंगे उहद ले लें, हम जंगे खंदक ले लें, आप देखें तीनों कितनी डिफरेंट थी। तीनों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा था, व्हाट वाज हिज मोडस ऑपरेंडी, किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए, लेकिन हर जंग में, हर एक्सपीडिशन में, हर इन्वेजन में एक चीज कॉमन थी कि उनका रिलेशन विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कम नहीं हुआ। उनका कनेक्शन, उनकी हम्द सना, उनकी दुआ, उनका हर सिलसिला जो था वो अल्लाह के साथ कनेक्टेड था। सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड्स, और इसी चीज को हमको इम्प्लीमेंट आगे करते चलना है। जी, I saw some mic unmuted. Okay, moving forward. The invasion of Banu Qurayza. On the very day Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam returned to Medina after the battle and was freshening up in Salama's radhiyallahu anha's house, when Jibril Amin came to him and asked why he had unsheathed his sword. He should head toward the locality of the treacherous Banu Qurayza, fight against them. Jibril Amin related to him that he, along with the procession of angels, would go on ahead to shake their forts and cast fear in their hearts. Abhi same day, Nabi sallallahu alaihi wasallam Medina mein lord gaye after battle. Aur phir Salma radhiyallahu anha ke ghar pe wo freshen up ho rahe the. Tabhi Jibril Amin aaye unke paas, unse kaha ki apni talwar ko dobara se kyun, unhone mian mein samjho dal di. Unko jo hai kaha jana chahiye, unhe Banu Qurayza ke paas jana chahiye, jinhone दगाबाजी की, और उनके अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक एंजल्स का जो प्रोसेशन है, यानी ग्रुप ऑफ एंजल्स जो हैं, वो उनसे पहले उनके तरफ जाएंगे बनु कुरैज़ा के पास, और उनके फोर्ट्स को हिलाकर उनके दिलों के अंदर खौफ तारी करेंगे। अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली समन द प्रेयर कॉलर एंड ऑर्डर्ड हिम टू अनाउंस दैट एवरी लिसनर शुड ऑफर द असर प्रेयर्स एट बनु कुरैज़ा। अभी आप देखें, अभी अभी एक जंग से आए हैं, अभी उनकी हालत क्या है, कैसी उनकी स्टेट है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, और अभी हुक्म आ रहा है कि सीधा पहुंचो बनु कुरैज़ा में और उनको थोड़ा सा उनके साथ डील करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली उसको फॉलो किया।
अजान जो मुअज्जिन ने उनको बुलाया, कहा अजान दो और सारे जो सुनने वाले उनको कहो कि असर की नमाज जो है वो बनु कुरैदा में पढ़ी जाएगी. ही अपॉइंटेड इब्न उम मक्तूम रदिल्लाहु टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ मदीना इन हिज एब्सेंस एंड एंट्रस्टेड द वॉर स्टैंडर्ड टू अली बिन अबी तालिब रदिल्लाहु हु मार्श्ड टुवर्ड्स द अपॉइंटेड टारगेट एंड केम क्लोज इनफ टू हियर द ज्यूज अब्यूजिंग अल्लाहस मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अभी इब्न उम मक्तूम को उन्होंने मदीना का इंचार्ज बनाया, अली बिन अबी तालिब रदिल्लाहु को फ्लैगशिप दी और चल पड़े. अब ये लोग इतने करीब पहुंच गए थे यहूद के जहां पर वो उनको सुन सकते थे कि वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्यूज कर रहे थे. द प्रॉफिट सेट आउट एट द हेड ऑफ द 3000 इन्फेंट्री मैन एंड 30 कैवलरी फ्रॉम द अंसार एंड महाजरीन ऑन देयर वे टू द एनिमी द टाइम फॉर द असर प्रेयर बिकम ड्यू सो सम ऑफ देम रिफ्यूज टू ऑब्जर्व इट अंटिल दे रीच द एनिमी व्हाइल अदर्स परफॉर्मड इट ऑन द वे. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam objected to neither of these two decisions. अब जैसे ही वो निकले थे तो ऑफकोर्स 3000 आदमी थे तकरीबन अंसार और मुहाजिरीन की कॉम्बिनेशन में. अब वो पहुंचे तो असर की अजान हो गई थी, तो आधे जो हैं उन्होंने उसी वक्त ही सलाह अपनी अदा की और कुछ जो थे उन्होंने कहा हम उधर पहुंच के करेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ही अप्रूवल दिया हुआ था. अपॉन रीचिंग द लोकेलिटी ऑफ बनू कुरैदा द मुस्लिम्स laid siege to their forts. Seeing the terrible situation they were in, the chief of the Jews, Ka'b bin Asad, offered his people three alternatives. अब जैसे ही मुसलमान आर्मी वहां पर पहुंची तो ज्यूज को आइडिया लग गया कि अभी उनकी जो हालत है वो क्या होने वाली है. और वैसे भी जैसे जिब्रील अमीन ने कहा था, एंजल्स का ग्रुप जो था वो पहले जाकर उनके फोर्ट्स को शेक करके उनके दिलों में खौफ तारी कर चुके थे अल्लाह के हुक्म से. तो फिर अब इनका जो हेड था काब बिन असद, वो अपने लोगों को तीन अल्टरनेटिव्स देने लगा. क्या थे वो तीन अल्टरनेटिव्स? फर्स्ट इज एम्ब्रेस इस्लाम एंड देयर लाइव्स वेल्थ वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड बी इन फुल सिक्योरिटी. ही रिमाइंडिंग देम दैट सच बिहेवियर वाज नॉट बी इन द ऑपोजिशन ऑफ व्हाट दे हैड रेड इन देयर बुक्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स प्रोफेटहुड. नंबर टू, टू किल देयर चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड देन चैलेंज द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स टू अ फाइट whose consequences will either be that they killed the Muslims or be killed by the Muslims. Number three, conduct a surprise attack against Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the people on Saturday, a day that all understood they would not participate in any fighting. अब तीन ऑप्शन उसने क्या दिए. पहला बोलता है कि इस्लाम को कबूल कर दो और अपनी जान, अपने माल, अपनी औरतें, अपने बच्चों को जो है पूरी सिक्योरिटी मिल जाएगी. फिर उसने कहा कि ये बिहेवियर was not to be in the opposition, यानी हमारी किताबों के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो हमें पता है कि वो ऑथेंटिक नबी है, तो ये हमारी बुक्स के अगेंस्ट नहीं है, which is the first option. Second option वो कहता है कि हमारे बच्चे और औरतों को हम लोग कत्ल खुद कर देते हैं, हम मार देते हैं और फिर हम लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को चैलेंज करते हैं. तो इसमें दो चीज हो सकती है, या तो मुस्लिम्स के हाथों हम मारे जाएंगे या हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे. तीसरा ऑप्शन कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाज के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करते हैं सैटरडे को, क्योंकि उन्हें पता था कि सैटरडे को हम लोग नहीं फाइट करते लेकिन हम लोग जो है एक सरप्राइज अटैक करते हैं. व्हेन नन ऑफ दीज अल्टरनेटिव्स अपील टू देम देयर चीफ एंग्रीली एंड इंडिजिटनेटली टर्न टू देम सेइंग यू पीपल हैव नेवर बीन डिसाइसिव इन डिसीजन मेकिंग सिंस बर्थ. अब वो लोगों को उसके जो लोग थे उसको ये तीनों ही डिसीजन पसंद नहीं आए, तो जो उनका लीडर था काब बिन असद वो भड़क गया, गुस्से में आ गया. वो कहते हैं तुम लोगों के अंदर कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग का पावर था ही नहीं, पैदाइश से लेके अब तक तुम लोग कंफ्यूज्ड ही हो. अब आप देखिए ये भी एक ना बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, सम पीपल ना उनकी ओपिनियन ही नहीं होती, उनका डिसीजन ही नहीं होता. आप उनसे कोई भी सवाल कर लें, कुछ भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज पूछ लें, उनकी अपनी एक ओपिनियन होती ही नहीं है. I mean, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आई मीन डोंट थिंक के आई एम सेइंग समथिंग फ्रॉम द बुक्स और व्हाटएवर, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. लेकिन हमें जो है ना एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, ये एक क्वालिटी डेवलप करनी होती है बच्चों के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अभी हम बच्चों के जब वो छोटे होते हैं, जैसे जैसे अडोल्सन्स में पहुंचते हैं, टॉडलर्स एंड अडोल्सन्स की एज में पहुंचते हैं, हमें ना उनको थोड़े से डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए. Give them the authority to pick up the foods that they like. Give them the authority to pick up the dresses they like. Unko color, unko options aap dein. Beshak unko guide karein. Lekin aap unke andar jo hai na, unki spine develop karein. Taaki wo ek apna decision le sakein. Wo ek apna opinion express kar sakein. Wo ek apni pehchan bana sakein. Agar hum mothers, okay. कई बार मैंने देखा है कुछ मदर्स भी और कुछ वाइफ्स के तौर पे भी, यानी स्पाउसेस को भी कुछ लोग जो है ना
अपने अंगूठे के अंदर रखना पसंद करते हैं, उनका डिसीजन ही फाइनल है, उन्हीं की बात चलेगी, उन्हीं की ओपिनियन चलेगी, यानी बीइंग सो ओवर अथॉरिटेटिव दैट आप एक अगले बंदे को जो है ना ऐसी पर्सनालिटी बना देते हैं कि उसकी अपनी ओपिनियन, उसका अपना डिसीजन होता ही नहीं है. दैट्स टोटली रॉन्ग. ईच इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. ईच इंडिविजुअल हैज द शुड हैव द एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन. उन्होंने अपना डिसीजन लेने की उनमें ताकत और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए. एंड वी एज मदर्स एंड स्पाउसेस शुड बी एबल टू डेवलप दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जहां पर ईच इंडिविजुअल इज रेडी टू यूज देयर डिसीजन. दिस इज देयर राइट. तो इस चीज के ऊपर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन लाइक सुभान अल्लाह मैरिज के लिहाज से बहुत सारी काउंसलिंग इसी मैटर पर होती है जहां पर जो लड़के होते हैं ना उनकी मॉम्स उनके ऊपर इतना हावी है कि सुभान अल्लाह शादी के बाद भी दे गो बैक टू देयर मॉम्स फॉर डिसीजन विच इज पर्टेनिंग टू देयर ओन फैमिली. ऐसा नहीं होना चाहिए. ममाज बॉय और ममाज गर्ल बना के हमें हमेशा अपने बच्चों को नहीं रखना है. इसमें कोई ये पॉजिटिव चीज नहीं है बाय द वे. दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग. क्योंकि आज आप हैं कल आप नहीं है. आप उनको उतना केपेबल करें मेंटली भी कि वो अपने लाइफ के एक अच्छे डिसीजन ले सकें. उनको ट्रेन करें, उनको सिखाएं, उनके पास एक एज अ गार्डियन एज अ मेंटर मौजूद रहें. लेकिन लीड उनको लेने दें. लेट देम डिसाइड, लेट देम टेक द इनिशिएटिव, लेट देम हैव एन ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स. जैसे हमने देखा कि अभी ये चीफ जो था काब बिन असद, उनको बेहतरीन तीन ऑप्शंस, एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन वुड हैव बीन द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन ये लोग इस ऑप्शंस को भी नहीं समझ पा रहे, मौके की नजाकत को भी नहीं समझ पा रहे. यानी इन्होंने अपना भी बेड़ा करना है, अपनी भी जानों को गंवाना है और अपने डिपेंडेंट्स अपनी औरतों और अपने बच्चों और अपने वेल्थ को भी गंवाना है. विल सी हाउ इट गोज इंशाल्लाह. बट द टाइम इज अप. लेट मी कम्प्लीट दिस पैराग्राफ और फिर हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं. तो फिर वो कहते हैं कि आप लोग जो है कभी भी डिसीजन मेकिंग आपसे हुआ नहीं, आपकी पैदाइश से ऐसी रहा. द डार्क फ्यूचर ऑलरेडी विजिबल. दे मेड कॉन्टैक्ट विद सम मुस्लिम्स हू हैड मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट देयर फेथ इन लाइट ऑफ द करंट सर्कमस्टेंसेस. दे रिक्वेस्टेड दैट अबू लुबाबा रदिल्लाहु अन्हु बी सेंट टू देम फॉर एडवाइस. अभी कुछ जो ज्यूज थे उनके रिलेशन मुस्लिम्स के साथ अच्छे थे, तो उन्होंने उनके साथ राब्ता करना शुरू किया और उनको बताया कि मौजूदा हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं. फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अबू लुबाबा रदिल्लाहु अन्हु उनके पास पहुंचे जिससे कि वो थोड़ी सलाम मशवरा करें. ऑन हिज अराइवल द मैन बिगन टू रिक्वेस्ट फेवर्स फ्रॉम हिम व्हाइल द वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राइड डेस्परेटली. अभी आदमी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और फेवर मांग रहे हैं मुस्लिम से, और औरतें बच्चे जो है वो रो रही हैं डेस्परेटली. एज एन आंसर टू द रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस ही पॉइंटेड टू हिज थ्रोट व्हाइल सेइंग that death was awaiting them. He immediately realized that he had betrayed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's trust. So he left and went directly to the Prophet's mosque in Medina and tied himself to a wooden pole, swearing that no one would untie him except Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. He also added that he would never enter the locality of Banu Qurayza as a recompense for the grave mistake that he committed. Ab ye jo hai na Abu Lubaba unke sath baatcheet usne kar di. और फिर उसके बाद उन लोगों के थ्रोट उनके हलकों के पास पॉइंट करते हुए कहा कि डेथ तुम लोगों की कत्ल तो लाजिम है. और फिर उसने सडनली उसको फीलिंग आई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं दगाबाजी तो नहीं करी. तो वो इमीडिएटली निकले और मदीना में मस्जिद में पहुंचे और अपने आप को एक वुडन पोल के साथ बांध दिया और फिर कहा कि कोई भी मुझे खोलेगा नहीं एक्सेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. और फिर उन्होंने अपने आप से इरादा भी किया कि वो बनू कुरैदा की लोकेलिटी में भी एंटर नहीं करेगा. अब आप देखें ये जो अबू लुबाबा रदिल्लाहु अन्हु है, व्हाई इज ही फीलिंग लाइक दैट, कि एक तो उनके साथ जंग का माहौल चल रहा है, वो मुस्लिम्स नेशंस जो है उनके साथ अटैक करने वाले, लेकिन चूंकि कुछ यहूदी उनके दोस्त थे और उन्होंने उससे बात करने के लिए उनको बुलाया, सडनली ही फेल्ट कि शायद मैंने मुसलमान आर्मी के साथ या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दगाबाजी की. जैसे ही वो सेल्फ रियलाइजेशन उनको हुआ, इमीडिएटली वो मदीना में आए, मस्जिद में अपने आप को पोल से बांध दिया एक वुडन पोल से, और कहा सबको कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनको खोल सकते हैं. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो उन्होंने क्या कहा, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव बेग्ड अल्लाह टू फॉरगिव, बट सिंस ही टाइड हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल then it is Allah who will turn to him in forgiveness. Abhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kya kehte hain ki usne khud realize kiya ki unhone mistake ki ya jo bhi hai, aur agar wo mere paas aate to main Allah se Allah azawajal se unki dua ki maghfirat ki dua karta, lekin kyunki unhone khud apni qadar jo hai pick kari, wo khud ja ke apni saza unhone laga di ki bhai main udhar tie kar deta hu, to kehte ab ye jo mamla hai wo Allah ke haath mein hai ki Allah forgive kare ya kya. The siege could not have been tolerated for a longer time by the Jews of Banu Qurayza as stocks of food and water was abundantly available for them
and their strongholds was greatly fortified. However, the Muslims were camped in the open land and suffered from cold, hunger, and fatigue, which resulted from the endless battles they were fought against the army of Confederates. Nevertheless, this too was a battle of nerves, and Allah had cast fear in the hearts of the Jews, and their morale had almost completely collapsed. This was especially true when two Muslims heroes, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu and Az-Zubair bin Awwam radiallahu anhu, proceeded towards them, with Ali radiallahu anhu swearing that he would never stop fighting until he had either stormed their fort or been martyred like Hamza radiallahu anhu. अभी मौजूदा हाल ये थे कि वो जो हैं Jews बनी कुरैदा के, उनके पास बहुत सारा food, water, सब कुछ उनके पास मौजूद था, तो वो लोग जो है उनका सर्वाइवल तो ईजिली चल रहा था. लेकिन मुस्लिम्स जो थे वो बनू कुरैदा के बाहर कैंप किए हुए थे, और कोल्ड था, हंगर था, फटीक थी, और इतने ज्यादा बैटल्स बैक टू बैक थे. फिर भी ये वाला जो बैटल था, अगेन वो ब्लडशेड वाला बैटल नहीं था, ये भी नर्व्स वाला यानी मेंटल फाइटिंग थी बहुत ज्यादा, कि कौन सस्टेन करता है, किसके अंदर ज्यादा टॉलरेंस है. और फिर इसमें जो हमारे दो हीरोज का जिक्र हो रहा है, अली बिन अबी तालिब रदिल्लाहु अन्हु, ज़ुबैर बिन अवाम रदिल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं, वो प्रोसीड कर रहे हैं और अपने वो कस्में उठाई हुई है. अली रदिल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम जो है लड़ना बंद नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टॉप फाइटिंग जब तक कि हम इनके फोर्ट्स को तहस नहस ना कर दें, और जब तक हम शहीद ना हो जाए हमजा रदिल्लाहु अन्हु की तरह. और हम जानते हैं कि ज्यूस के पास बेसिक्स, उनके पास खाना पीना सारे मौजूद थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके दिल में फियर तारी किया हुआ था, उनका मोरल जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया हुआ था. तो इंशाल्लाह इसके आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे ऑन संडे. So I would like to close it now. Koi agar question hai, koi discussion hai, to it's an open forum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Agar nahi hai to we will close. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.